अस्सलाम वालेकुम, आज फिर से दोबारा से खिदमत में हाजिर हूँ। असल में मसला ये है कि मसलसल चार दिन से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, हुकूमत से अपील किए जा रहे हैं। आज चार दिन के बाद जफर मिर्ज़ा साहब का बयान आता है, हेडलाइन आती है कि पाकिस्तान के जितने भी खौफज़दा तालिब इल्म वुहान शहर के या उस चाइना के अंदर मौजूद हैं वो वहाँ पर ही रहें, उनको वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। ये हेडलाइन सुनने के बाद तो यकीन माने, पहले तो ये फीलिंग थी कि लावारिस हैं, हमारे पीछे कोई मुल्क है ही नहीं है, हमारे पीछे कोई सोर्स है ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से ऊपर मरीज से आए आग किधर फंस गए चाइना में, कि मतलब यार हमारे पीछे कुछ स्टैंड लेने वाले नहीं है। इस बात से क्या हम इंडिकेट करेंगे यार, सिंपल हम लावारिस हैं, हमारे पीछे कोई मुल्क नहीं है। खैर, हुकूमत से अपील करते रहे चार दिनों से, वो आगे से ये कह रहे हैं कि हुकूमत अभी जो पूरे पाकिस्तान मीडिया में इनकी न्यूज़ चल रही हैं कि WHO ने इनको मना कर दिया है कि वो वहाँ से नहीं लाए जाएं जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं। कल दोपहर को 1 बजे मेरे जूनियर इंडियंस जितने इनकी फ़्लाइट है, मैं आपको वीडियोस भेजूंगा विद प्रूफ, बात करूंगा, कल ये इंडियंस 1 बजे चले जाएंगे, ठीक है। और ये तादाद में हमसे ज़्यादा थे इस यूनिवर्सिटी में, तो क्या इन पर WHO का रूल नहीं लगता है, क्या इनकी कंट्रीज में वायरस नहीं जा सकता? भाई ये भी जाएंगे, इनको भी वहाँ पर स्कैन किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी, 14 दिन इनको अपनी कस्टडी में रखा जाएगा, तो फिर होगा सेम, आप इसलिए करेंगे।